क्या आप अपनी नौकरी या प्रमोशन ना हो पाने की वजह से परेशान हैं? मैं रजनीश ऋषि लेता हूं गारंटी आपके लायक आपको एक अच्छी नौकरी दिलाने की या आपको उचित प्रमोशन करवाने की। तो ऐसे किसी भी पाखंडी बाबाओं के अपजाल में ना फंसे, तो भक्ति बताती है कि ऐसे ही पाखंडी बाबाओं ने मुझे कलयुग में अंग भूत कर। लेकिन मैं जब वृंदावन आई तो मैं फिर से अचानक नवीन परम सुंदरी स्वरूपवती तरुणी हो गई। लेकिन मेरे जो दो पुत्र हैं ये तो अभी भी दुखी हो रहे हैं क्योंकि ये थके मांगे व्रत हैं, ये जवान नहीं। अब आप लोग देखिए कितनी विचित्र बात है कि आज भक्ति के जो पुत्र हैं वो तो वृद्ध है लेकिन भक्ति वो स्वयं माता होने के बाद जवान हो गए। ऐसा देखा है आप लोगों ने कहीं? चलिए आप लोगों को यदि मैं ये कहूं कि मैं आपको आज एक महामंत्र देती हूं, अगर आप उसका उच्चारण करेंगे तो आप अपने माता पिता से अपनी आयु एक्सचेंज कर सकते हैं। माने आपकी जो जवानी आपका जो यौवन है वो तो आप अपने माता पिता को दे सकते हैं और जो माता पिता का जो वृद्ध अवस्था है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आप में से बहुत लोग अपने माता पिता को प्रेम करते होंगे, कौन कौन ऐसा करना चाहे? कोई नहीं करना चाहेगा। इस कलयुग में शायद हजार में से एक ही ऐसा कोई पुत्र ऐसा कोई पुत्री ऐसी कोई संतान लेगी जो ऐसा करना चाहे। मैं गलत भी नहीं कहती इस बात को कि भगवान ने देखिए सब कुछ निश्चित किया है। आपके जो माता पिता है वो अपना उम्र जी चुके हैं, उन्होंने अपनी जवानी जी, आज वे वृद्ध अवस्था में है। आज आप जवानी जी रहे हैं, कल को फिर आप वृद्ध होंगे, तो सबके लिए भगवान ने निश्चित किया है। तो इसमें हस्तक्षेप करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये विचित्र बात आज भक्ति के साथ हो रही है। तो भक्ति कह रही है कि प्रभु ये तो कमाल ही हो गया, उन श्री हरि ने आज कमाल ही कर दिया कि मेरे पुत्र तो अभी भी बूढ़े हैं और मैं जवान हो गई। इसी अवस्था में मैं शोक करती रहती हूँ, भगवान को याद करती रहती हूँ। आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हैं, आप मुझे बताएं कि इस सब का कारण क्या है। तो नारद जी कहते हैं कि मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूँ, तुम्हारे इसका कारण देख पा। देखो देवी, आज ये दारुण कलयुग है, यहाँ पर सत्य योग मार्ग तपस्या इन सब चीजों का समाज जो सभी चीजें हैं ये लुप्त हो चुकी। यहाँ पर अभी ये सत्य योग मार्ग समाधि इन सब चीजों का कोई काम ही नहीं। तो आज जितने भी कलयुग के लोग हैं अपने दुष्कर्मों के कारण अपनी शक्ति के कारण अघासुर बने जा रहे हैं। आज उनकी तुलना अघासुर से की जा रही है। जहां भी देखो वहां जो संत पुरुष है जो सत्कर्मी पुरुष है वो तो दुखों में पड़ा हुआ है और जो जितने भी दुष्ट है वो सुखी हो रहे हैं। तो ये कलयुग का फेर है। लेकिन तुम जब इस वृंदावन धाम आई, इस वृंदावन के संयोग से भक्ति तुम फिर से नवीन तरुणी हो। अतः ये जो वृंदावन धाम है ये धन्य है जहां भक्ति सर्वदा नृत्य कर रही है। नारद जी आगे बताते हैं कि भक्ति यहाँ पर भी तुम्हारी तो ग्राहक है, माने तुम्हारी तो पूज्य है, लेकिन यहाँ पर भी जो तुम्हारे जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य इनकी कोई पूज्य नहीं, इनका कोई ग्राहक नहीं। आप आज भी यदि वृंदावन किसी भी गली किसी भी कोने से निकलेंगे तो आपको वहां ज्ञान की चर्चा नहीं मिलेगी, वहां वैराग्य की चर्चा भी नहीं, वहां तो केवल भक्ति की चर्चा मिलेगी, भक्ति प्रदान भूमि की वृंदावन। तो आइए हम भी कुछ क्षण के लिए वृंदावन धाम के दर्शन करने चले, वृंदावन की यात्रा पे चले। अब आप लोग कहेंगे कि गुरु महाराज तो इस क्षेत्र में बैठे हैं पर हम किस प्रकार से वृंदावन जा सकते हैं, अरे अभी इतना काम पड़ा है घर में जाके खाना बनाना है ऐसे कैसे चलेंगे। तो चिंता ना करें, अपने तन को तो आप अभी के लिए यहाँ छोड़ें, मेरे साथ अपने मन के साथ
इस वृंदावन धाम की यात्रा पर चली। लेकिन ले जाने से पहले एक निवेदन है मेरा, एक कंडीशन है कि देखो जो भी भक्त भगवान के धाम के लिए जा रहे हैं, जो भी कीर्तन में नाचेगा गाएगा नहीं, जो भी नृत्य नहीं करेगा, जो भी तालियां नहीं बजाएगा, भगवान का भजन कीर्तन नहीं करेगा, मैं उसे वापस यहीं छोड़ जाऊंगा, उसे लेके नहीं जाऊंगा। तो इसलिए सभी प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हुए वृंदावन धाम की ओर चले। 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले गुरु रजनीश जी शीघ्र ही दिल्ली के निकट लगभग 10 एकड़ में फैले शनि नवग्रह शांति मंदिर एवं ऋषि मेडिटेशन आश्रम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए फ्री पूजा, यज्ञ, मेडिटेशन एवं रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आइए मैं गुरु मां रुक्मणी इस प्रपोज्ड पवित्र मंदिर एवं आश्रम के वर्चुअल दर्शन के लिए आपको ले चलती हूँ। ये है हमारे आश्रम का मेन गेट। ऐसा होगा हमारा प्रमुख शनि मंदिर, ऐसा होगा हमारा सूर्य गृह मंदिर एवं गृह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा चंद्र ग्रह शांति मंदिर एवं यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा मंगल गृह मंदिर एवं गृह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा बुध ग्रह शांति मंदिर एवं बुध ग्रह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा बृहस्पति गृह मंदिर एवं गृह शांति यज्ञशाला, ये है हमारा शुक्र ग्रह शांति मंदिर एवं यज्ञशाला, ऐसा होगा मेरे इष्ट श्री शनिदेव भगवान का मंदिर एवं ग्रह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा राहु ग्रह मंदिर एवं ग्रह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा केतु ग्रह शांति मंदिर एवं यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा नवग्रह शांति मंदिर एवं यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा दुर्लभ बंगलामुखी देवी माँ का मंदिर एवं तांत्रिक यज्ञशाला। आपकी काल सर दोष की पीड़ा को दूर करने के लिए ऐसा होगा हमारा काल सर मंदिर एवं यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा मेडिटेशन हॉल एवं प्रवचन स्थल, ऐसा होगा प्रकृति के बीच हमारा नेचुरल मेडिटेशन सेंटर, ऐसा होगा आप सभी भक्तगणों के लिए एयर कंडीशनर गंगोत्री निवास स्थल, ऐसा होगा आप सभी भक्तों के लिए यमुनोत्री एयर कूल निवास स्थल, ऐसा होगा आपके लिए गंगा सागर डॉर्मेट्री एयर कूल निवास स्थल, ऐसा होगा वैदिक ज्ञान के लिए हमारा गुरुकुल, ऐसा होगा हमारा भोजनालय माँ अन्नपूर्णा, ऐसा होगा हमारा कैफे हाउस और रेस्ट हाउस, ये है हमारे प्राणों से प्रिय गौ माता के लिए गौशाला, कुछ ऐसा होगा हमारा किचन गार्डन, ये है गुरुजी द्वारा नियंत्रित शराब और सिगरेट पीने वाले लड़कों के लिए मेल रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऐसा होगा मेरे द्वारा नियंत्रित शराब और सिगरेट पीने वाली लड़कियों के लिए फीमेल रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये है आश्रम की ऑफिस बिल्डिंग एवं रिसेप्शन, ये है हमारे आश्रम का पूजा स्टोर, ऐसी होगी सामूहिक यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा प्रभु मिलन व्रत आश्रम, ऐसी होगी आश्रम के अंदर वाटर बॉडीज, ये है हमारा नेचुरल योगा सेंटर, ये है हमारा आप सभी के लिए वैदिक लाइब्रेरी। आप सभी हमारी इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हमारे शनि मंदिर एवं शनि आश्रम के मेंबर बन सकते हैं। हमारे शनि मंदिर की इस गंगोत्री नामक मेंबरशिप में सभी मेंबर्स को प्रतिवर्ष 21 दिन के लिए गंगोत्री निवास जो कि एयर कंडीशन होगा उसमें रहने की फ्री पूजा पाठ मेडिटेशन एवं रिहैबिलिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आपसे 5,01,000 रुपए की मेंबरशिप फीस
ली जाएगी। यह फीस नॉन रिफंडेबल होगी। यमुनोत्री मेंबरशिप हमारे इस शनि मंदिर की मेंबरशिप में सभी मेंबर्स को प्रतिवर्ष 15 दिन के लिए यमुनोत्री निवास जो कि एयरपूल होगा उसमें रहने की फ्री सुविधा, पूजा पाठ, मेडिटेशन एवं रिहैबिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आपसे 3,21,000 की मेंबरशिप फीस ली जाएगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। गंगा सागर मेंबरशिप हमारे शनि मंदिर की इस गंगा सागर मेंबरशिप में आपको आपके पूरे जीवन के लिए वर्ष में एक बार 7 दिनों के लिए रहने की, पूजा पाठ, मेडिटेशन एवं रिहैबिलिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आपसे 1,50,000 की मेंबरशिप फीस ली जाएगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। शनि सेवक मेंबरशिप हमारे शनि मंदिर की इस मेंबरशिप में आप दिन के समय यानी डे टाइम में खाने पीने, पूजा पाठ इत्यादि की सारी व्यवस्था का आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए आपसे 33,000 की एक फिक्स राशि एवं प्रतिमा 150 रुपए लिए जाएंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। भगवान श्री शनि देव में आस्था रखने वाले प्रिय भक्तगण, इसके अतिरिक्त जो भी भक्तगण इस पवित्र दुर्लभ शनि मंदिर, मेडिटेशन आश्रम, व्रत आश्रम, गुरुकुल, नशा मुक्ति सेंटर, गौशाला आदि के निर्माण के लिए दान करना चाहते हैं, वे सभी भक्तगण शनि मंदिर वाले गुरु रजनीश ऋषि से नीचे दिए किसी भी माध्यम से अथवा स्वयं मिलकर या लॉर्ड शनि देव के कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान के किसी भी बैंक में जाकर डायरेक्ट ट्रांसफर करवा सकते हैं। हमारे वेदों, पुराणों एवं सभी धर्म ग्रंथों में शनि मंदिर निर्माण एवं जन कल्याणकारी कार्यों के लिए दिए गए दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जिसका पुण्य 1,000 गुना होकर हमें इसी जन्म में अथवा हमारे द्वारा दिए गए किसी अन्य जन्म में हमें अवश्य प्राप्त होता है। जय जय श्री राम, जय श्री पवन पुत्र हनुमान, जय जय श्री शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, अगर आप या आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड किसी भी प्रकार की परेशानी में हो, चाहे वो धन, व्यापार, नौकरी, कर्जा, शादी, कैरियर, संतान से संबंधी हो या फिर संतान की पढ़ाई लिखाई, मियां बीबी के झगड़े, प्यार, तलाक, धन की कमी या फिर भूत प्रेत नजर आदि की समस्या से परेशान हैं, तो आप 133 देशों में प्रसिद्ध हमारे शनि मंदिर वाले गुरु रजनीश ऋषि से किसी भी दिन समय लेकर अपनी जन्म पत्री या बर्थ चार्ट के साथ ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली स्थित ऑफिस में फ़ोन नंबर 9111450-51710 या हमारी विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट www.shanidev.us पर विजिट कर सकते हैं। मैं गुरु माँ रिया आप सभी भक्तों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि गुरु जी आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को अवश्य ही दूर करेंगे।